ठीक है, आज जो है आपकी हिंदी वर्णमाला का पार्ट टू है, क्लास टू है हिंदी की। वर्णमाला का क्या है? पार्ट टू। समझना, यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट भी करते जाएंगे जो हमने कल पढ़ा था। रिपीट भी करना है और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे सब। देखो तो कल क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले हम ये देखेंगे कल क्या पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा रिपीट करना है पहले, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था वर्ण, वर्ण को दो पार्ट में बांटा था, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन, स्वरों के बारे में पढ़ा था हमने, ध्वनि के प्रकार से कि कौन सा उच्चारण में होता है, कौन सा लेखन में होता है। और व्यंजनों में हमने केवल वर्ग पढ़े थे। वर्ग क्या पढ़े थे? वर्ग कितने होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? पांच। कितने वर्ग होते हैं? पांच। और वर्गों में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक वर्ग में पांच। तो पांच वर्गों में कितनी हुई? 25। कितनी हुई? 25। और जो 25 थे वो कब तक बताए थे? कहां से कहां तक थे? क से म तक, क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक के व्यंजनों को पढ़ा था। और इसमें हमने ये देखा था कि किस व्यंजन की ध्वनि कहां से निकलती है, किस व्यंजन की ध्वनि कहाँ से निकलती है, कौन सा अघोष है, अघोष और सघोष भी पढ़े थे ना, और कौन सा अल्प प्राण और महाप्राण है, कौन सा व्यंजन सघोष है, कौन सा अघोष है, कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा स्वरों के बारे में भी पढ़ेंगे। स्वरों की ध्वनियां रह गई थी कल के, स्वर की जो ध्वनि है वो कौन कौन से स्थान से निकलती है। और इसमें व्यंजनों में जो आगे पढ़ेंगे, आपका एक नाम आता है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है आपका स्पर्श संघर्षी, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन, या उन्हें बोल देते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोल देते हैं? ऊष्म व्यंजन। तीसरा नाम आता है आपका संयुक्ताक्षर। इन टॉपिकों के बारे में आज पढ़ेंगे हम कि व्यंजनों में जो ये टॉपिक होते हैं इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वरों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि स्वर की ध्वनियां कहाँ से निकलती हैं। कल रह गया था, आज कवर करते हैं। मैंने स्वरों को बताया था, स्वरों को बताया था कि कौन से मूल स्वर होते हैं और कौन से संयुक्त स्वर होते हैं, मूल स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर। तो बताओ मूल स्वर कौन से होते हैं? चार होते हैं, अ ए उ और ऋषि। चार होते हैं, अ ए उ और ऋषि। और जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका आ, एक होती है ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यही तो बताए थे संयुक्त में। अच्छा, ये आपके मूल स्वर हो गए चार। अब आप देखो ये एक सजातीय स्वर, नाम आता है यहां पर सजातीय, एक नाम आता है सजातीय और एक नाम आता है आपका विजातीय। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर ये क्या होते हैं? तो देखो यहां पर एक नाम दिखा ना आपको, जाति। क्या दिखा? जाति। जाति का मतलब क्या होता है? जिससे उसकी पहचान होती है, वही तो होती है ना जाति।
किसी नाम से उसकी पहचान हो, चाहे फिर वो नाम हो, वो उसका रूप हो, उसका कोई भी गुण हो, कुछ भी हो, जिससे वो पहचाना जाता हो, वो होती है उसकी जाति। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सजातीय स्वर, किसकी बात करूँ, सजातीय स्वर, तो यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। मैंने दो नाम लिए, एक लिया अ और एक लिया आ, और एक बार मैंने अ के साथ में ली ए, दो नाम लिए, एक बार मैंने अ के साथ में आ लिया है, एक बार अ के साथ में ई लिया है। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कौन सा सजातीय स्वर है और कौन सा विजातीय स्वर। तो मैंने कहा कि किसी एक चीज को लेकर के समानता होनी चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए, चाहे वो उसका क्या हो, रूप हो, चाहे उसका नाम हो, चाहे उसका कोई गुण हो, लेकिन पहचान किसी एक से जरूरी होनी चाहिए। अब देखो ये है ना अ, जैसा ये दिखता है वैसा क्या ये नहीं दिखता, बताओ, जैसा ये दिखता है वैसा ये नहीं दिखता क्या, दिखता है ना, बस क्या है कि इसमें ये एक्स्ट्रा है, यही तो एक्स्ट्रा है इसमें, कोई नहीं है, रहने दो। लेकिन हमें पता है कि जो इसका रूप है ना वो इसके पास है, जो इसका रूप है वो इसके पास है, तो मतलब ये है कि ये इसका कौन सा है स्वर, सजातीय, कौन सा स्वर है ये, सजातीय स्वर। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो रूप इसका है या जो ध्वनि इसकी है, क्या वो इसके पास में है, नहीं है ना, देखो अ, अ ऐसे लिखा है, ई ऐसे लिखी है, अगर मैं अ को बोलती हूँ तो निकलती है ध्वनि अ, अगर ई को बोलती हूँ तो निकलती है ध्वनि ए, तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा, विजातीय, ये हो गए आपके कौन से, विजातीय स्वर। तो यहाँ पे समझ में आया ना कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं और विजातीय स्वर। यहीं से हम निकालेंगे इनकी ध्वनियाँ, ध्वनियाँ निकालेंगे इन स्वरों की, ध्वनियाँ मतलब इनकी जो आवाज है ना वो किस स्थान से निकलती है, क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ तक, कि इनकी जो ध्वनि है, जैसे हमने कवरक की निकाली थी कल, कवरक की कहाँ से निकलती है, कवरक की कंठ, यहाँ से जब हम बोलते हैं ना क क, तो यहाँ से ध्वनि आती है, यही तो चलता है, क ख ये ऊपर नीचे होता है, तो कवरक की कंठ से निकली थी, ऐसे ही हम इन्हें देखेंगे कि इनकी ध्वनि कहाँ से निकलेगी, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक, बताओ कमेंट करके बताओ क्लियर है यहाँ तक। नोट करते रहना साथ के साथ, पॉइंट बनाओ, नोट करके, नोट करो साथ के साथ जी। सोनू कुमार क्लियर है सब, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमें ध्वनि की पहचान करनी है। यहां पर मैंने संयुक्त और मूल स्वर को छोड़ दिया, केवल मैं लगातार लिख रही हूं, ये सजातीय स्वर जो होते हैं उन्हें आप लिख रही हूं मैं कि अ आ ए ई ओ ऊ ऋषि ए ऐ और औ, ये हैं अ आ ए ई ओ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। इनकी अब हमें ध्वनियों की पहचान करनी है कि इनकी ध्वनियां कहाँ से निकलती है। तो मैंने कल क्या कहा था, आपको रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी रटंत विद्या छोड़ो, रटंत विद्या तो अब छोड़नी है, अब बस क्या है प्रैक्टिकल करना है आपको, केवल समझना है, माइंड में बिठाना है कि अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये दोनों सजातीय स्वर हैं, सजातीय स्वर हैं, देखने में एक जैसे हैं, ध्वनियां भी इनकी एक जैसी हैं, तो जब ध्वनियां एक जैसी हैं तो यहाँ पर बात आती है कि इनका ध्वनि स्थान भी एक ही होगा, क्योंकि एक स्थान से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है, एक स्थान से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। अब इसकी बात करें हम, किसकी, अ और आ की, तो बोल के देखो अ अ, जैसे मैं बोल रही हूँ क, तो ये मेरा काम कर रहा था ना क, अभी मैंने क्या बोला अ, तो क्या काम कर रहा है, ये कंठ काम कर रहा है, क अ आ अ आ, बोल के देखो अपने आप अ, ये ऊपर नीचे होगा अ आ,
तो अगर ये काम कर रहा है तो इनकी ध्वनि कहाँ हो गई आपकी? कंठ पर। इनकी ध्वनि कहाँ हो गई? कंठ पर। अब बात आई इन सजातीय स्वरों की, ए और ई, ए ई। तो कल मैंने बताया था कि कंठ से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये मतलब ऊपरी जबड़े का आपका पिछला हिस्सा, और ये हिस्सा, ये जो होता है वो होता है आपका तालू। क्या होता है? तालू। तो अगर मैं इसकी बात करूं ए ई, तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी ध्वनि कहाँ से निकलेगी? देखो ऐसा लगेगा जैसे यहां से ध्वनि खिंची और यहां तक आई, यहां से खिंची यहां तक, ए यहां पर आ रही है, यहां पर, ध्यान से बस समझना है, ए ई यहां पर, ए ई, तो यहां पर प्रेशर हुआ ना, यहां प्रेशर हुआ ना, तो ये क्या होता है आपका? तालू होता है। क्या होता है? तालू। तो इसकी ध्वनि जो निकली वो निकली आपकी तालू से। किससे निकली? तालू। यहां तक सब समझ में आया? क्लियर है ना सब कुछ यहाँ? अब इसके बाद में अब कौन सा सजातीय स्वर आए? ओ और ऊ। ओ ऊ, तो जब आप इन्हें बोलोगे तो आपका कौन सा स्थान काम करेगा? ओ ऊ। कहीं जीभ काम कर रही है? नहीं। कंठ काम कर रहा है? नहीं। तालू काम कर रहा है? नहीं। मूर्धा? नहीं। दंत? नहीं। तो अब जब मैंने बोला ओ, क्या काम कर रहे हैं? दिख रहा है बाहर से साफ, क्या कर रहे हैं? ओस्ट, होठ, होठ काम कर रहे हैं ना। ओ ऊ, ओ ऊ, तो होठ ही तो चल रहे हैं बस मेरे, और कुछ चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना। तो इसका जो ध्वनि का स्थान होगा वो क्या होगा? ओस्ट। क्या होगा? ओस्ट, ओस्ट। और एक और बात कि पूरी वर्णमाला में, पूरी वर्णमाला में रे आपका एक ऐसा स्वर है जिसका कोई भी सजातीय स्वर नहीं होता है, केवल रे है। देखो इसका भी सजातीय स्वर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और इसका भी है। तो केवल रे ऐसा है स्वर जिसका कोई भी सजातीय स्वर नहीं होता है। यहां पर अगर रे की बात करूं कि रे की ध्वनि अगर हम देखें, अगर रे की ध्वनि को देखें तो ये जो है बोलते हैं ऋषि, बोलते हैं ना ऋषि, तो इसे ऋषि नहीं, इसकी जो ध्वनि निकलती है वो रे निकलती है। रे, रे। क्या निकलती है? रे। तो जब इसकी ध्वनि रे निकलती है और हम रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे, रे। तो हमारी जो जीभ है ना रे, ऊपरी जबड़े के अगले हिस्से से टच होती है। बोल के देखो, रे, रे। सीधी सीधी जीभ टच होती है किससे? ऊपरी जबड़े के अगले हिस्से से। रे, बोल के देखो, रे। तो जब ऊपरी जबड़े से टच हुई है, ऊपरी जबड़े के अगले हिस्से से, और कल बताया था वीडियो में उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। क्या कहते हैं उसे? मूर्धा। तो रे की ध्वनि कहां से निकलती है? मूर्धा से। कहां से निकलती है आपकी रे की ध्वनि? मूर्धा से। क्लियर? क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अब देखो इनकी बात करें, ये भी तो एक दूसरे के सजातीय स्वर हैं, एक दूसरे के सजातीय स्वर हैं। और जब कल बताया था कि ये कैसे हैं? संयुक्त। कैसे स्वर हैं ये? संयुक्त स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर है तो मतलब किन्हीं दो स्वरों से मिलकर के बने हुए होंगे, दो से मिलकर बने हुए होंगे। अब जो दो होंगे वो इसमें से ही होंगे, मूल स्वरों में से ही होंगे, मूल स्वरों से मिलकर के ही ये बने हुए होते हैं। मैंने बताया था आपकी कल की वीडियो में कि जो ये ए होती है, ए वो किससे मिलके बनी होती है? अ से और ई से। अ से ई से किससे मिलके बनी होती है? ये अ और ई। तो यहां पर अ और ई से मिलके क्या बनी आपकी? ए। और जब ये एक दूसरे के सजातीय रूप हैं, इनकी ध्वनियां एक जैसी हैं, तो इनका बोलने का स्थान भी एक जैसा होगा, एक जैसा होगा ना, एक ही स्थान होगा, एक ही स्थान होगा बोलने का। अब देखो अ, अ का स्थान क्या था? कंठ। तो अ का तो हो गया आपका कंठ।
ई का स्थान क्या है? तालु, तो इसका हो गया तालु। अ और ई को मिला के क्या बना? ए, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। यहां पर ए और आई ये दोनों कैसे हैं? सजातीय स्वर, तो जो इसका उच्चारण स्थान वही इसका उच्चारण स्थान, तो दोनों का क्या होगा? कंठ और तालु, ठीक है, दोनों का उच्चारण स्थान हो गया आपका कंठ तालु। उसके बाद में आपका क्या आया? ओ और औ, ओ औ, हाँ कंठ तालु, इसका नाम हो जाता है कंठ तालु, या फिर दूसरा नाम बोल देते हैं कंठ तालव्य, या दूसरा नाम हो जाता है इसका कंठ तालव्य, ठीक है। तालु का क्या नाम कर देते हैं? तालव्य। यहां पर अब क्या आया आपका? और औ, ओ औ। अब मैंने यहां पर ये भी तो संयुक्त स्वर हैं, ये भी तो संयुक्त स्वर ही है ना आपके, तो ये भी मूल स्वरों से मिलकर के ही बने होंगे। जब ये मूल स्वरों से मिलकर बने होंगे तो हमें बस क्या देखना है कि ये कौन कौन से मूल स्वर से मिलकर बने हैं, क्योंकि हमें पता है ना अब मूल स्वर का उच्चारण स्थान तो हमें पता है। अब हमें ये पता चल जाए कि ये किस मूल स्वर से मिलकर बने हैं, तो ये भी पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ये वाली नहीं, ये जो बनती है, बनती है अ और ए से, कल की वीडियो में बताया है, अ और ए से मिलके बनती है ये। अब देखो ये आया आपका ओ, और ओ किससे मिलके बनता है आपका? अ और ओ, अ और ओ से मिलके बना आपका क्या? ओ। अब बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की, तो देखा अ, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। तो यहां पर इसका उच्चारण स्थान हो गया आपका कंठ। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। तो इसका हो गया यहाँ ओष्ठ। तो जब अ और ऊ को मिला के क्या बन रहा है? ओ। तो इनके उच्चारण स्थान को मिलाकर के क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। क्या बनेगा? कंठोष्ठ। तो यहां पर याद रखना और औ का उच्चारण स्थान क्या है आपका? कंठोष्ठ, ठीक है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ एक ही होगा, क्यों? क्योंकि ध्वनियां एक हैं और ये अपने आप में कैसे स्वर हैं? सजातीय। कैसे हैं? सजातीय, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई आपकी स्वरों की ध्वनियां, कि स्वरों की ध्वनि कहाँ कहाँ से निकलती है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है, किस स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। व्यंजनों से भी आते हैं, तो व्यंजनों में हमने वर्क को तो कंप्लीट कर लिया था कि क वर्ग का कौन सा था? क वर्ग का था आपका कंठ। कौन सा था क वर्ग का? कंठ। क के बाद में कौन सा वर्ग आता है आपका? च। क के बाद में आता है च, तो च वर्ग का था तालु। क्या था च वर्ग का? तालु। इसके बाद में ट वर्ग, ट वर्ग, ट का था आपका मूर्धा। इसके बाद में त वर्ग, इसका था दंत, और फिर प वर्ग जिसका था ओष्ठ। यही तो थे पांचों के पांचों वर्ग, और इन पांचों वर्गों में क्या थे? पांच पांच व्यंजन थे, पांच पांच व्यंजन थे, जो कहां से? क से लेकर के म तक, क से लेकर म तक। आपके कितने व्यंजन हो गए थे? वो 25, 25 हो गए थे। आज जो बचे हैं वो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, संयुक्ताक्षर हैं, स्पर्श संघर्षी या ऊष्म स्पर्शी व्यंजन। ये तीन व्यंजन और बचे हैं आपके, उसमें भी देखेंगे किसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
देखो वर्गों के बाद आपका पता है कि म के बाद में जब हम वर्णमाला हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं तो म के बाद में क्या आता है? म के बाद में य, क्या आता है? य। य के बाद र, ल और व। केवल चार व्यंजनों को लो, य र ल व, इनका जो नाम दिया गया है वो दिया है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। तो क्वेश्चन है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य र ल और व, चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। अंतःस्थ व्यंजन चार होते हैं, य र ल और व। व के बाद में क्या आता है? श, श, स और ह। फिर से चार लो, श, श, श और ह। ये जो होते हैं वो होते हैं आपके स्पर्शी, स्पर्शी या फिर बोल सकते हो संघर्षी, स्पर्शी या संघर्षी, या फिर एक और नाम ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये नाम होते हैं किसके? श, श, श और ह के। तो पहले हम इनके बारे में देखते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन की ध्वनियां कहाँ से निकलती हैं। ये सघोष होते हैं या अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। तो वही ध्वनि की अगर बात करें, ध्वनि की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आया? य। क्या आया? य। तो जब हम य को बोलते हैं तो आपका कौन सा बोलने वाले जो पांच अंग बताए मैंने, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो य को बोलने में कौन सा अंग कार्य करता है? य, 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 ये यहां पर प्रेशर पड़ेगा, य। कंठ नहीं आएगा, ये नहीं चलता है, यहां पर प्रेशर पड़ता है य। तो क्या कार्य कर रहा है आपका? तालु। क्या कार्य किया? तालु। तो य किस में हो गया? तालु में। य की ध्वनि कहां से निकली? तालु से। इसके बाद में आप क्या आता है? र और ल व। अगर र को बोलते हैं र, तो आपकी पहली तो जीभ काम करती है। काम कहां करती है? कि दांतों के पास में, मतलब दांतों के जड़ों के पास में जाती है। र बोलो, र। ऊपरी दांतों के जड़ों के पास में जीभ जाएगी, टच करेगी, फिर वापस आएगी। र, ल, ऐसे ही ल पर, र, ल। जीभ का अगला हिस्सा ऊपरी दांतों के जड़ों को टच करता है र पर। और जब ल बोलते हैं ना, ल, तो साइड में जीभ टच करती है, दांतों के जड़ों को साइड में टच करती है। तो र और ल की जो ध्वनि होती है ना, जड़, क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं ना, मसूड़ा, उसे बोलते हैं हम दंत मूल। क्या बोलते हैं? दंत मूल। तो र और ल की जो ध्वनि निकलती है वो कहां से निकलती है? दंत मूल से, दांतों की जड़ से। मूल का मतलब क्या है? जड़। दांतों की जड़ से। अब बात किसकी आई? व। व, ब बोलने के नहीं बोला मैंने, ब नहीं, ब तो ये होता है, बहुत तो ये होता है। मैंने किसके लिए बोला है? वो, इसमें और इसमें अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। ये जो बोला जाता है वो होठों से बोला जाता है, वो दोनों होठों से, क्योंकि ओष्ठ में आता है ना पवर्ग, तो ये किससे बोला जाता है? होठों से। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसे जब बोलेंगे ना वो, वो, तो ऊपर के दांत और नीचे का होठ दोनों टच होंगे, ऊपर के दांत और नीचे का होठ। वो बोलो, व। ऊपर के दांत टच होंगे नीचे के होठ, तो इसका जो होगा वो होगा दंतोष्ट। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ट। यहां पर अंतस्थ व्यंजन में य तालु, र और ल दंत मूल से, व दंत ओष्ठ से। इनसे क्या निकलती है? इन चारों की ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है? इन चारों की ध्वनियां तालु, दंतमूल और दंतोष्ठ। अब बचे आपके चार नाम, कौन कौन से? अघोष और सघोष।
अल्प प्राण और महाप्राण। अब इन चारों में देखना है कि जो ये अंतस्थ व्यंजन है अघोष अघोष में से कौन से हैं और अल्प प्राण महाप्राण में से कौन से हैं। तो क्या बताया था अघोष अघोष के लिए, जहां कम ध्वनि निकले अघोष और जहां ज्यादा ध्वनि निकले सघोष। प्राण मतलब वायु, वायु जहां कम वायु वहां अल्प प्राण और जहां ज्यादा वायु वहां महाप्राण, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे य कंपेयर करना है हमें, कंपेयर य पहले हम देख रहे हैं अघोष और सघोष, पहले क्या देख रहे हैं अघोष और सघोष। तो यहां पर देखा ध्वनि से देखो य र ल व कंपेयर करो, जैसे कल किया था क वर्ग से, क वर्ग से किया था ना। अब क से मैं दो व्यंजन लूंगी, एक होगा अघोष और एक होगा सघोष। अगर मैंने क क को लिया और फिर लिया मैंने किसको ख, तो बताओ इनमें से अघोष और सघोष क और ख, क ख ऐसे बोलते हैं ना, क ख ग, क ख ग। तो ये दोनों तो क्या है अघोष है और ये क्या है सघोष। तो मैंने कहा एक में अघोष वर्ण लूंगी, एक क्या लूंगी सघोष। तो इसमें से इन दोनों में से कोई एक ले लो और एक इसे। यहां पर लिया क, क्या है आपका अघोष, और एक लिया ग जो है सघोष, यही है ना। अब इन दोनों में से कंपेयर करो, कंपेयर करो कि जो इस अगर इनकी जो ध्वनि है इसके साथ मिलती है तो अघोष है, इसके साथ मिलती है तो सघोष, समझे ना। अगर इसके साथ मिली क के साथ में मिली तो अघोष, अगर इसके साथ में मिली तो सघोष। अब देखो क, क को क्या बोलते हैं क, क को कैसे बोलते हैं क, और य को कैसे बोलते हैं य। इसमें हम रुकने के लिए प्रेशर नहीं डालते, नहीं डालते ना, इसमें डालते हैं क, बहुत कम ध्वनि निकली, यहाँ पर देखा य ज्यादा निकली, यहाँ पर देखा ग य बराबर है ना, ग य बराबर है। तो ग किसमें है सघोष में, तो ये भी किसमें हुआ सघोष में हुआ। ऐसे ही र की बात करूं क र, तो इसकी ज्यादा है ना, तो ये भी किसमें हो गया सघोष में। ल की बात आई अब कंपेयर करो क ल, क ल किसकी ज्यादा है ल की, इसकी ग ल बराबर है ना, ग ल बराबर है, तो ये भी सघोष। ऐसे ही कौन सा आएगा आपका व, वो भी क्या होगा सघोष। तो आपके जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं सघोष, अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं सघोष होते हैं। पहला पॉइंट क्या बना आपका कि अंतस्थ व्यंजनों की ध्वनियां तालु दंतमूल दंतोष्ठ से निकलती है। दूसरा पॉइंट, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं सघोष, मतलब ध्वनि ज्यादा निकलती है। अब आए हम किस पर, अल्प प्राण और महाप्राण पर। अब हमें क्या देखना है ध्वनि नहीं, अब हमें देखनी है वायु, क्या देखनी है वायु। अब वायु जब हम देखेंगे तो यहां पर, यहां पर अगर मैं क वर्ग में, क वर्ग में अगर मैं अल्प प्राण महाप्राण की बात करती हूं, तो बताया था कि क मतलब पहला तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण। तो मैंने एक तो अल्प प्राण का ले लिया और एक ले लिया महाप्राण, मतलब क हो गया आपका कौन सा अल्प प्राण और ख हो गया आपका महाप्राण, ठीक है। अब इनसे कंपेयर करना है। अब देखो क थोड़ी सी मात्रा में निकली ना, ख प्रेशर के साथ में निकली, इसकी अपेक्षा इसमें कम निकली, इसकी अपेक्षा इसमें कम निकली। अगर बात करूं मैं यहीं पर किसकी, कि हमें कंपेयर किसका करना है य का, किसका करना है य। तो पहले मैंने इससे किया क य, क य कितनी कितनी वायु लग रही है, वायु ध्वनि नहीं देखनी हमें, वायु देखनी है क य, तो
तो थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में निकल रही है ना दोनों में। अब इसकी बात आई ख य, तो ख में ज्यादा है य में कम, ख में ज्यादा है तो किसमें महाप्राण में, और य में कम है तो किसमें आएगा ये अल्प प्राण, किसमें आएगा अल्प प्राण। प्रैक्टिकली करो, ये आएगा अल्प प्राण में, ऐसे ही र आएगा आपका। अब बस इससे ही कंपेयर करते जाओ, एक तो आपका अल्प प्राण बन गया, इससे कंपेयर करो, इसके बराबर निकली तो महाप्राण, नहीं निकली तो मतलब कम निकली तो अल्प प्राण हो जाएगा। ख र किसमें है ज्यादा, ख में, ख में ज्यादा है ना, तो फिर ये अल्प प्राण हो गया। ऐसे ही आपका क्या होगा ल, ख ल फिर ख में ज्यादा है तो क्या ये भी अल्प प्राण में और वह भी अल्प प्राण में ही हो जाएगा। तो मतलब ये शगोश भी होते हैं और अल्प प्राण। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंतस्थ व्यंजन में य की ध्वनि तालु से, र और ल की ध्वनि दंतमूल से, व की ध्वनि दंतोष्ठ से, और अंतस्थ व्यंजन आपके सघोष और क्या होते हैं अल्प प्राण, सघोष और अल्प प्राण होते हैं। क्लियर है ना ये पॉइंट, तो क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में आते हैं स्पर्शी संघर्षी या ऊष्म स्पर्शी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, कुछ भी बोल सकते हो इन्हें, बस इन्हें ये सोचो कि इन्हें क्यों बोलते हैं। तीन नाम बताए मैंने, एक एक बताया ऊष्म, एक नाम आया स्पर्शी, और एक नाम आया आपका संघर्षी। तीन नाम आए, इन्हें इन तीन नामों से क्यों जाना जाता है, और इसके अंतर्गत चार नाम जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, श श श और ह, यही तो है चार नाम। अब देखो ऊष्म, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ऊष्म मतलब ऊष्मा, स्पर्शी मतलब शुरू से लेकर के अंत तक जब तक वो बोला जाए किसी न किसी दो स्थानों को स्पर्श करता हुआ आए। संघर्षी मतलब घर्षण, दो स्थानों के बीच में क्या होना, घर्षण होना। इनकी एक पहचान है, इनकी एक पहचान है, वो क्या, जब भी आप इन्हें बोलोगे, जब भी आप इन्हें बोलोगे ना तो आपके मुंह से ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा हाथ लगा के देखो और बोल के देखो, श गरम गरम हवा निकलेगी, गरम गरम ऊष्मा, घर्षण करके आएगा ना ये, हाथ लगा के देखो ऐसे, श गरम गरम हवा निकलती है, ह श स बोल के देखो, प्रैक्टिकली करो, गरम गरम सी ऐसे लगे कि वायु निकल रही है प्रेशर में, घर्षण के साथ में। तो इसीलिए ना क्या बोलते हैं, ऊष्मी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इसी में आपका च वर्ग भी आता है, च वर्ग, च वर्ग को भी बोल देते हैं, च वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें भी संघर्षी व्यंजन बोल देते हैं, क्योंकि जब हम च को बोलते हैं तब भी हमारी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, च छ ज ऊष्मा निकलती है तब भी। तो ये इन्हें च वर्ग को भी हम क्या कह देंगे, संघर्षी व्यंजन बोल देंगे। अब हमें इसमें भी देखना है कि इनकी ध्वनियां कहाँ से निकलती हैं, क्योंकि जो पूरी हिंदी डिपेंड है ना वो उच्चारण पर ही डिपेंड है, ध्वनि पर ही डिपेंड है। दो ही पार्ट बताए थे ना मैंने, एक तो उच्चारण और एक लेखन, उच्चारण और लेखन। अभी हम तो अभी उच्चारण की तो चल रही है, उच्चारण की तो चल रही है, लेखन में तो वही हिंदी आ जाती है जो संस्कृत है, हिंदी वही आ जाएगी लेखन में जो संस्कृत है। लेकिन अभी जो आप हिंदी पढ़ते हो ना वो पूरी की पूरी डिपेंड है उच्चारण पर, पूरी की पूरी रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन भी आते हैं तो उसी से आते हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि श श श और ह की ध्वनि कहाँ से निकलती है। तो अब एक बात बताओ, जब आप इसे बोलोगे श श तो आपका कौन सा अंग कार्य करेगा, श श ऊपरी जबड़े के अगले हिस्से पे टच होती है ना, श ऊपरी जबड़े के अगले हिस्से पे टच होती है क्या, जीभ, श तो और ऊपरी हिस्से के अगले हिस्से को क्या कहते हैं हम, मूर्धा, क्या कहते हैं मूर्धा। तो इसकी ध्वनि कहां से निकली आपकी, मूर्धा से, इसकी ध्वनि मूर्धा से। अब बात किसकी आई, श। देखो तीनों को बोलने के तरीके अलग अलग हैं, आप
कि आपको इनकी ध्वनियाँ एक जैसी लगती होंगी बोलने में, लेकिन तीनों को बोलने के ध्वनि जो है, बोलने के तरीके जो है, वो अलग अलग है। तीनों में जो अंग कार्य करते हैं बोलने के लिए वो भी अलग अलग ही है। कैसे? अब इसमें देखो, इसमें मूर्धा कार्य किया ना, इसमें मूर्धा ने कार्य किया। अब मैं इसकी बात करूं, अगर मैंने इसकी बात की तो ये बोला जाता है श्य। क्या बोला जाता है? श्य। य की ध्वनि निकलती है इसमें पीछे, य श्य श्य य निकला ना, श्य श्य। यहां प्रेशर पड़ रहा है बोलने में, श्य श्य बोल के देखो, यहां पड़ेगा प्रेशर, यहां पे कंठ से ऊपर, कंठ से ऊपर श्य। अब एक बात आप पहचानो कि जब हम इसे बोल रहे हैं तो य की ध्वनि आ रही है हमारी, आ रही है कि नहीं? य की ध्वनि आ रही है। और यह किस में होता है? तालु में होता है ना, तालु में होता है। तो ये किससे संबंधित हो गया? तालव्य से। किससे हो गया? तालव्य से। अब आपका क्या आया? स। क्या आया आपका? स। इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? अ, स। इसे बोलते हैं श्य, श्य, स। तीनों की ध्वनि अलग अलग, श्य इसकी है, य की ध्वनि बाद में, श्य श्य इसकी है, अ की ध्वनि, श। समझ रहे हो? इसमें श्य छोटी ई की सी आवाज निकलती है थोड़ी, इसमें य की आवाज निकलती है, इसमें अ की, इसमें अ की नहीं, अ की ध्वनि निकल रही है। तो ये कंठ से नहीं होगा? नहीं, कंठ से नहीं होगा ये। श्य श्य आपके क्या दांत कार्य नहीं कर रहे इसमें? श्य श्य जीभ के साथ में कार्य नहीं कर रहे हैं क्या? बताओ बताओ। श्य इसका जो नाम आ जाता है वो आ जाता है आपका ध्वनि में। देखो एक नाम आता है वत्सर्य, समझना यहाँ पर, वत्सर्य क्या होता है ये सुनो पहले। एक नाम आता है आपका लुंठित, एक नाम आता है लुंठित। ये ध्वनियों से संबंधित ही है। किससे संबंधित है? ये ध्वनियों से ही संबंधित है। अभी इन्हें बाद में बताएंगे, पहले से देखो। यहाँ पर श की ध्वनि तो किसके हो गई? मूर्धा से। स की ध्वनि किससे हो गई? तालव्य जी, हाँ मतलब तालु। मैं बताया तो है मैंने, किसका दूसरा नाम है? तालु का ही दूसरा नाम है। वहां पर कंठ तालु को क्या लगाया था हमने? कंठ तालव्य नहीं बोला था? कंठ और तालु को जोड़ करके क्या बोला था? कंठ तालव्य। ऐसे यहाँ पे तालु की जगह क्या लिख दिया हमने? तालव्य। क्या लिख दिया? तालव्य। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, किसकी? श की। तो इसकी ध्वनि भी किससे निकलती है? इसके साथ में ही निकलती है जी, हाँ इसी। अब देखो ये मत कर देना कि ये श है, इसको बोलने से हमें किसकी ध्वनि मिल रही है? अ की। तो इससे किससे निकलेगी? कंठ से। नहीं, बस इसी को पहचानो, इससे इसकी ध्वनि भी यहीं से निकलती है। और एक बचा आपका कौन सा? ह। तो ह वर्णमाला में एक ऐसा वर्ण है, ह वर्णमाला में एक ऐसा वर्ण है जिसे बोलते समय हमारा कोई भी अंग कार्य नहीं करता है। सिर्फ ऐसा लगता है कि फेफड़ों के अंदर से क्या आई? वायु। फेफड़ों के अंदर से क्या निकल रही हो? वायु निकल रही हो। देखो क क बोलते हैं तो हमारा ये प्रेशर करता है, कंठ, कंठ करता है ना। और मुख्य चीज तो यही होती है ना, ध्वनि भी तो यहीं से निकलती है। लेकिन जब मैं बोलूं क्या? ह ह, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई भी अंग कार्य कर रहा है? ह, ऐसा लग रहा है यहाँ से आई हवा बाहर निकल गई, ऐसे ही तो लगता है, फेफड़ों से आई और बाहर निकल गई। ह ह, तो इसका जो स्थान होता है ना वो होता है, उसे एक नाम दिया है, वो होता है आपका स्वर यंत्री। ये क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। स्वर यंत्री, स्वर यंत्री। हम कहते हैं हमारी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से। कहाँ से निकलती है हमारी ध्वनि? कंठ से। कंठ के भीतर जो स्थान होता है ना बोलने के लिए, जो ध्वनि का स्थान होता है, जो ध्वनि का अंग होता है, उसे बोलते हैं हम क्या? स्वर यंत्री। क्या बोलते हैं उसे हम? स्वर यंत्री। ठीक है, स्वर यंत्री क्या होती है? जो कंठ के भीतर ध्वनि को निकालने वाला अंग होता है उसे कहते हैं स्वर यंत्री। तो ह की ध्वनि कहां से निकली? स्वर यंत्री से। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो इसमें हम देखेंगे क्या? अघोष और सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण।
अघोष अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन जो देखे थे वो हमारे क्या आए थे? सघोष और अल्प प्राण आए थे, सघोष और अल्प प्राण। ऐसे ही हम इनका कंपेयर करेंगे, इनका कंपेयर करेंगे कि ये सघोष अघोष है या अल्प प्राण या महाप्राण है। तो देखो यहाँ पर फिर वही, किसी भी वर्ग का ले लो एग्जाम्पल, किसी भी वर्ग का। जैसे अगर हमें इसकी पहचान करनी है किसमें? सघोष और अघोष में, सघोष और अघोष में पहचान करनी है तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम सघोष अघोष वाले वर्णों से। किससे कंपेयर करेंगे? सघोष अघोष वाले वर्णों से। तो सबसे पहले मैंने सघोष और अघोष के अगर मैं लूं तो क किसमें आता है? क अघोष में आता है, और ग किसमें आता है? सघोष में। तो एक बात बताओ, इसे बोलती हूँ मैं क और इसे बोलती हूँ ग, ऐसे यहां बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? श श श क श, एक जैसी ध्वनि निकली ना, क श। अब इसके साथ में बोला ग श, तो इसकी ज्यादा ध्वनि आई, इसकी ज्यादा ध्वनि आई तो इसकी कम आई। ये किसमें होता है हमारा? अघोष में। जब इसकी और इसकी ध्वनि बराबर सी लग रही है तो ये भी किसमें हो गया? अघोष। किसमें हो गया ये? अघोष। अब बात आई इसकी श, मैंने यही बोला था श श, इसमें छोटी की सी आवाज निकलती है, इसमें य की आवाज निकलती है। श क श, इसके साथ में क्या? तो ग श, इसकी ज्यादा है इससे, इससे इसकी ज्यादा है ना। तो जब इसकी ज्यादा है इससे तो ये कम वाला, तो ये भी तो किसमें हुआ? अघोष में। तो इसकी ध्वनि भी कहाँ कैसी हुई? अघोष। कैसी हुई इसकी? अघोष। इसके बाद में आता है श, इसमें किसकी ध्वनि निकाल लेंगे हम? अ की। श क श, बोलो क श, बराबर है। इसके बाद में ग पर आए, ग श ग श, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो ये भी किसमें हो गया आपका? अघोष। ये तीनों के तीनों किसमें आए? अघोष में ही। तीनों के तीनों किसमें आए? अघोष। अब किसकी बारी है? ह की। किसकी है? ह। तो यहाँ पर ह को बोला तो ह को ह ह ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ह आराम से बोलते हैं ह। तो ऐसे यहाँ पर बोले क ह, किसकी ज्यादा है? ह की ज्यादा है ना, ह की ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये किसमें हो गया आपका? सघोष में। किसमें हो गया? सघोष में। मतलब ये है कि आपके श श और स किसमें होते हैं? अघोष में, और ह किसमें होता है? सघोष। पॉइंट नोट करते रहना, पॉइंट नोट करते रहना। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो आपके ये तीनों हैं श श श अघोष हैं। कैसे हैं? अघोष। और जो आपका ह है वो कैसा है? सघोष। ह कैसा है? सघोष। तो ये तो है आपके क्या? अघोष और सघोष। अब आती है किसकी बारी? अल्प प्राण महाप्राण। तो फिर से वही कंपेयर कर दो, कंपेयर ही करना है ना हमें, तो कंपेयर ही तो करना है, बस कंपेयर करना है। एक ले लिया मैंने किसका? अल्प प्राण का, और एक ले लिया मैंने महाप्राण। क किस में आता है? अल्प प्राण में, और ख किस में आता है? महाप्राण में। बस आप प्रैक्टिकली पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। आपको रटना नहीं है, बस प्रैक्टिकली पढ़ना है। और बस मेरी एक बात मानना, कैसे दो बार रिवाइज और कर लेना, फिर आप खुद पढ़ाने लगोगे। देखो अल्प प्राण क में, महाप्राण ख में। कैसे? प्राण वायु, वायु से देखा ना था हमने, ऐसे वायु से देखा था, ऐसे यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे। क कम वायु है, क कम वायु है। श है वायु, श है ना, इसके साथ में तो है इससे ज्यादा। लेकिन अगर इसकी बात करूं, ख प्रेशर के साथ बहुत सारी वायु निकली, ख श प्रेशर के साथ ज्यादा निकली, कम निकली इसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा कितनी निकली? ख श कम निकली ना, इसकी अपेक्षा कैसी निकली ये बताओ मुझे। क इसमें वायु नहीं है, इसमें देखा श प्रेशर के साथ में वायु नहीं निकल रही है क्या? निकल रही है ना, जैसे इसमें निकल रही है ख, ऐसे इसमें निकल रही है श
प्रेशर के साथ निकली, तो इससे तो ज्यादा है इसमें, अगर अल्प प्राण से अगर इसमें ज्यादा है तो ये महाप्राण में ही तो आएगा, आएगा कि नहीं? एक बात बताओ, ये अल्प प्राण है, किसमें? ये अल्प प्राण में, और इसकी वायु की हमें पता है कितनी निकलनी है, क नामात्र के लिए निकलती है, क नामात्र के लिए ही तो निकलती है। अब जब हमने इससे कंपेयर किया तो इससे बोला हमने श, तो इसमें तो प्रेशर के साथ इससे बहुत सारी निकली, बहुत ज्यादा निकली ना इससे, तो जब ज्यादा निकली तो किसमें हो गया? महाप्राण में। किसमें हो गया? महाप्राण। ऐसे ही अब इसकी बात करते हैं, श क श, इसमें भी निकल रही है, तो ये भी किसमें हुआ? महाप्राण। श क श, इसमें भी निकली, तो ये भी क्या हुआ? महाप्राण। तो ये तीनों के तीनों किसमें आते हैं आपके? महाप्राण। श श स अगोसर महाप्राण होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचा आपका? ह क ह, इसमें तो वायु ही निकल रही है बस, ह वायु निकल रही है ना इसमें, तो और कुछ है ही नहीं, ध्वनि ध्वनि भी है, लेकिन अगर मैं इसकी अपेक्षा करूं क ह ऐसे ही निकलता है इसमें, तो ऐसे लगता है जैसे वायु ही निकल रही हो, ठीक है। तो ये भी किसमें हो गया आपका? महाप्राण। ये भी किसमें हो गया? महाप्राण में। तो यहाँ पर क्या देखा कि आपके अंतस्थ व्यंजन में कौन सा अघोष होता है, कौन सा सघोष होता है, कौन सा अल्प प्राण होता है, कौन सा महाप्राण, और इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन में भी, ठीक है। आज आपकी क्लास इतनी ही रहेगी, धन्यवाद, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो भूले ही ना।